है। ये हम सब की इच्छा है कि राहुल जी नेतृत्व करें और प्रधानमंत्री बने। ये जो अधिवेशन है वो निश्चित रूप से 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के संदर्भ में। लेकिन सर, रायपुर में इतना बड़ा अधिवेशन आपने करवाया, कांग्रेस का चल रहा है, क्या 24 में बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए? हम सबकी डिमांड है होना चाहिए, लेकिन मानेगी नहीं तो क्या करेंगे फिर आप लोग? भाई देखिए, आज ईवीएम पे लोगों का विश्वास उठ गया है, उसमें क्या है क्या नहीं, जबकि आधे से ज्यादा जो जनता है वो बैलेट बॉक्स में दिखता है कि उसमें है कुछ नहीं है या नहीं, वो दिखाई देता है, लेकिन ईवीएम में दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए जरूरी है कि ईवीएम की जगह बैलेट से होना। सर, विपक्षी एकता और राहुल जी का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनना, दोनों में एक बारीक लाइन है कि विपक्ष राहुल गांधी को नेता मान ले। अब देखिए, समय के साथ तो परिवर्तन आएगा। पदयात्रा के पहले राहुल जी के बारे में क्या टिप्पणी करते थे और पदयात्रा के बाद जो परिवर्तन आया है वो देश देख रहा है। इस महाधिवेशन के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस आपके नेतृत्व में और कितना मजबूत होगी, और आगे जो चुनाव होना है उसमें बघेल साहब ऊपर चढ़ेंगे या जिस सीट पे कायम है उससे नीचे होंगे? और एक फार्मूला है बीजेपी में जो आप लोग भी मंथन करते हैं जीत का, कि काम के आधार पर कुछ सीटिंग विधायकों का टिकट भी कटता है, आपका क्या फार्मूला होगा? आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए। मुख्य रूप से बात यह है, ये ICC का अधिवेशन है और हमको जिम्मेदारी दी गई है, तो हम लोग ये व्यवस्था ACC की तरफ से किए हैं, एक अधिवेशन महाधिवेशन।